चावल की थाली। बुढ़ापे में कुछ ज्यादा ही चाहिए होता है। अभी नहीं दी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों पता नहीं आजकल मौसम को क्या हो गया है, अभी होली के बाद बोलते हैं गर्मियों के सीजन आते हैं, लेकिन यहाँ फिर से ठंडा सा लगने लगा है। 3-4 दिन हो गए बारिश है कि कंटिन्यूस रुक रुक के आते ही जा रही है। कल रात यहाँ बहुत तेज बारिश हुई है और मौसम यहाँ का ना ठंडा ठंडा सा हो गया है। नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी होने से तो ये हल्का फुल्का ठंडा मौसम ही ठीक है, लेकिन ये बेमौसम की बारिश से ना डेली रूटीन में ज़रूर फर्क पड़ रहा है, हमारा डेली का रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है। तो रही मौसम की बात, देखते हैं घर के अन्य सदस्य क्या कर रहे हैं। क्या निकाल रहे हो मम्मी ये? ये लो विराज जूस निकालने जा, आज जूस बोने नहीं जा, मेरे पेट में दर्द रोना 24 घंटे। हाँ, डॉक्टर कह रहा था कि एलोए वेरा जूस पीना तो। अच्छा, तो जलन होती है। हाँ, अब मैं बनी बनाई लाती हूँ तो उतना अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है वो। हाँ, है ना। हाँ, अब मैं अपने हाथ बना रही है। हाँ, और तब बहुत अच्छा लगता है ये, पेट के लिए तो बहुत अच्छा हुआ एलोए वेरा। अच्छा, मेरे को और चीज़ का जूस मत देना। अच्छा, है ना? संतरे का नहीं पियोगे आज? अभी नहीं दी। खा रही हूँ तो। एलोवेरा इसका भी पेट साफ हो जाएगा। हाँ, नचनी भी खा रही मेरे साथ साथ। जूस तो पिएगी भी तो ये चिकन नहीं खाना है, लेकिन सुधारना बहुत परेशानी है ना। हाँ, छीलने में ना बेटा, चाकू इधर दे, चाकू छीलने में बहुत परेशान करता है। आपके खेत फिर हरे भरे हो गए, बारिश हो गई ना। ये मिर्च का पेड़ तो आपका ये ऐसे ही काणी गया है, नहीं लगे ना, एक भी नहीं लगे ना। इतना गर्मी के मौसम में बारिश देखो यहाँ। हाँ, इतना ठंडा हो रहा है। इस बार गर्मी ज्यादा नहीं पड़ेगी लग रहा है देख के। वैसे भी इधर गर्मी तो कमी होती है। ये सब भीग गए क्या? ये सब ऐसे फैला रखे हैं? ये रात बारिश आई ना, कपड़े रह गए थे बाहर। ओहो, बारिश आई तो भीग गए, मेरे को ताकत नहीं आई उठने की। हाँ, है ना। हाँ, अब पूरा भीग गए। हो गया? ये तो गाड़ दिया मैंने। बना लो। हाँ, निकाल लिया। फिर मौसम अभी बारिश आने का और हो गया ये। हाँ, कपड़े वपड़े उठाते हैं फिर। रेडीमेड होता है वो छना हुआ नहीं होता है, तो वो मम्मी को ना पसंद नहीं आता है, तो इसलिए उनको छान के देते हैं। तो ये मम्मी जी ने यहाँ पे साफ उठा दिया है, सब साफ सफाई कर दी इतनी जल्दी क्योंकि बारिश आने वाली जल्दी हो गई है। दोस्तों बारिश की बूंदें पड़ने लगी हैं, अब मैं कपड़े उठाती हूँ फटाफट, वरना हमारे कपड़े फिर से दोबारा से भीग जाएंगे। आप बने रहिए वीडियो में। वो बोलते हैं ना बुढ़ापे में कुछ ज़्यादा ही चाहिए होता है। हमारा टेंट बारिश से ख़राब हो गया था, तो पापा कहीं से बांस की लकड़ी लाए हैं, अब देखिए वहाँ टेंट को एडजस्ट करने में लगे हैं।
उसमें पहले पतला लकड़ी थी और आज पापा ने देखो इतना मोटा बांस की लकड़ी लाके सब अच्छा कर दिया। अब तो ये कपड़े सुखाने के लिए भी बढ़िया हो गया है और ये तो मजबूत हो ही गया है। ये लटक जा रहा था बार बार, सारा पानी फंस रहा था, अब इसमें ना पानी फंसने के चांसेस नहीं है। चलो अच्छा खासा हो गया हमारा टेंट, गर्मियों में बैठे रहेंगे इसके नीचे। इसीलिए सही बोलते हैं लोग, घर पे बूढ़ा आदमी होना भी जरूरी है। इसीलिए अब समझ में आ रहा है कि जितने भी ये प्रधानमंत्री और जो बड़े बड़े मंत्री बनते हैं ना, वो बुढ़े ही क्यों बनते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, इसीलिए जनता उन पर विश्वास करती है। दोस्तों ये जो डिश है ना, इसका नाम बड़ा फनी है। हमारी कुमाऊनी में बोलते हैं चाओ साई, अगर हिंदी मीनिंग बताऊँ तो इसका मतलब है चावल की साली। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। दोस्तों कल जो बच्चों ने चावल यूज करे थे ना पूजा में, देखिए आज उनकी कौन सी डिश बनती है। मैंने इन्हें भिगो के दरदरा पीस लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैंने ऑयल लिया है। ये ऑयल वही वाला है जो सुबह हमने पूरी बनाने में यूज किया था। तो अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, अब इनको चावल का जो मैंने दरदरा पीसा हुआ था तो इसे हल्का हल्का सा भूनती हूँ। ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि इसमें जो बच्चों की थाली में गुड़ था ना, वो गुड़ और पानी मिला के मैं एक साथ इनको चलाऊंगी। ये देखिए मैंने इसमें गुड़ और पानी डाल दिया और इसे चलाते रहना है, चलाते रहना है। और पता है इसे भूनने में ना बहुत टाइम लगता है, आधा घंटा पौना घंटा तक लग जाता है। ये तो हमारा कम है तो शायद ये आधे घंटे में बन के रेडी हो जाए। तो ये देखिए हमारा सारा पानी सूख गया है और ये कुछ ऐसा लगने दिखने लगा है। तो ये चाओ साई हमारा बनके रेडी हो गया है। तो हमारी फूल देही की डिश आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए।